दोस्तों, क्या हमको अपने कैमरास के लिए थर्ड पार्टी बैटरीज यूज करनी चाहिए? एज अ फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, आपके माइंड में आता है कि भाई जिस ब्रांड का मैंने कैमरा लिया है इसकी बैटरी मैं यूज कर रहा हूँ, कहीं मैं बाहर की बैटरी लूंगा तो कैमरे के साथ कुंडा तो नहीं हो जाएगा? तो आज इस वीडियो पे डिटेल बात करने वाले हैं, वीडियो एंड तक जरूर देखें और आगे चलने से पहले अपने फेवरेट चैनल टेक गली को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जो फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स को बहुत बार तंग करता है और आई एम श्योर आप इससे रिलेट कर सकते होगे कि भाई कैमरा के साथ साथ एक एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड स्पेयर होना चाहिए और बैटरी स्पेयर होनी चाहिए। हम अगर बात करते हैं अब थर्ड पार्टी बैटरीज की, क्या हमको अपने ब्रांड को, जिस ब्रांड का आपका कैमरा है, चाहे आपका सोनी का है, कैनन का है, निकॉन का है, क्या आपको ब्रांड का बैटरी छोड़ के दूसरी थर्ड पार्टी बैटरी लेनी चाहिए? तो भाई जवाब है बिल्कुल लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए, लेकिन उनको लेते हुए कुछ चीजें हैं जो आपको जरूर ध्यान में रखनी है। देखो गाइस, मैं पर्सनली खुद डिजिटेक की बैटरीज यूज करता हूं और मार्केट में बहुत सारे अलग अलग ब्रांड हैं जो आपको बोलते हैं कि हाँ हम भी ये छोटी बैटरीज बनाते हैं आपके कैमरा के लिए और वो आपको कुछ ऐसा बोल के बेचते हैं। लोगों, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोजिंग एक एग्जांपल देता हूँ, 50 ml या 60 ml इतना ही ग्लास की कैपेसिटी है और मैं बोलूँ इसमें भाई आपको 200-300 ml डाल के दे रहा हूँ, आप पी लेना या इसमें भर जाएगा तो इसकी कैपेसिटी है, ये कैसे पॉसिबल है? इसी तरह मार्केट में बहुत सारे बैटरी बनाने वाले लोग हैं जो बता रहे हैं कि भाई ये छोटी सी जो बैटरी है अगर इसकी कैपेसिटी 1000-2000 mAh तक की है, वो 8000 या 7000 mAh में कैसे बेच रहे हैं? ये आपको बोल के बेचता है कि भाई हमारे ब्रांड की तो 6000 है, 8000 mAh की बैटरी जो आपको दूसरे ब्रांड में नहीं मिल रहे, वो ऐसा आपको पट्टी पढ़ाते हैं फिर आपको देते हैं। तो यहां डिजिटेक जो है वो आपको एग्जैक्ट वही बैटरी बना के दे रहा है जिसकी रिक्वायरमेंट आपके कैमरा बॉडी के साथ कंपैटिबल है। और एट द सेम टाइम अगर इतना आसान रहता कि भाई इतने छोटे साइज में बड़े बड़े 6000-8000 mAh की बन जाती तो क्या कैमरा ब्रांड खुद नहीं बना देते? सो इसीलिए जब आप बैटरी ले रहे हैं एक्सटर्नल, आप ध्यान दें कि आप अच्छी कंपनी का ले रहे हैं, रेनाउंड ब्रांड से ले रहे हैं। और फायदे बहुत है भाई थर्ड पार्टी बैटरी के। मैं आपको एक बात बताऊं, देखो ये अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, डिजिटेक की जो बैटरी है और जो कैमरा की ब्रांड की बैटरी है उसमें कितना फर्क होता है। दो बहुत बड़े मेजर आपको इसके अंदर चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप किसी ब्रांड की बैटरी लेते हैं, कैनन, निकॉन, सोनी, तो 3500-4500 तक के रेंज में आपको इनकी बैटरीज मिलेगी और यहां आपको डिजिटेक की जो ये बैटरीज हैं ये आपको 1000-1200 rupees की रेंज में मिलेगी। तो इतना पैसों का डिफरेंस है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इन ब्रांड की बैटरीज लेते हैं, आपको बैटरी खरीदने के बाद इन बैटरीज की कोई वारंटी नहीं मिलती। तो भाई ये बड़े बड़े ब्रांड भी जो है ये आपको बैटरी पे वारंटी नहीं देंगे, लेकिन अगर आप डिजिटेक की बैटरी लेते हैं यहां पे ब्रांड आपको 6 महीने का वारंटी देता है। सो बहुत ही कमाल की चीज है, आप ले रहे हैं, यू नो 6 months की आपको वारंटी भी मिल रही है और प्राइस वाइज इकोनॉमिकल है। तो इसके साथ जहां पे आप वो एक बैटरी लेंगे, यहां आप डिजिटेक की 2-3 batteries खरीद सकते हैं जो आपके लिए स्टैंड बाय काम करेगी और शूट पे चार्जर लेके ढूंढने का कोई टेंशन नहीं रहेगी। सो मेरा ये सजेशन है कि अगर आप थर्ड पार्टी बैटरीज ले रहे हैं तो अच्छे ब्रांड की लें। मैं हमेशा, जैसे मैंने कहा, डिजिटेक में यूज करता हूं, डिजिटेक की चेकआउट कर सकते हैं। इसका बाइंग लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप जरूर चेकआउट करें। और कैसा लगा आज का वीडियो नीचे लाइक कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।